हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्यूशन बताना है। देखो इसको सिंपलीफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप पूरा नंबर का स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर मत करो, केवल 7 + 2, 7 + 2 कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो अब इसको देखो, अगर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करें 7 से तो 28 आएगा, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 × 56 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मान के चले हम लोग, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा 1 होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो 1 में तो 6 जाएगी तो हम लोग एक हासिल लेंगे 11। 11 में से कितना जाएगा 6, तो वो 5 बचेगा। तो 5 वाला ऑप्शन किसमें मिल रहा है, केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आखिरी जो यूनिट डिजिट है 5, केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व करने को आप पूरा जोड़ के स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है कि 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 किलोग्राम चावल को, 5 किलोग्राम गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 18 केजी का है, 5 केजी चावल है, तो कितना हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, अब अन्य चावल है 2 केजी है, उसका रेट हमें पता नहीं है, तो हम लोग उसको एक्स मान लेंगे। तो 2 × x, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण को 20 रुपये में बेचा जा रहा है। तो टोटल पहले चावल कितना था 5, फिर 2 और मिलाया कितना हो गया 7, 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 में 90 गया 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 रुपी पर केजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।